शेरगढ़ प्रधान ने कराई रास्तों की सफाई। मथुरा जनपद के थाना तहसील की ग्राम पंचायत शेरगढ़ के प्रधान प्रतिनिधि नीरज शर्मा ने अपनी ग्राम पंचायत में रास्तों का जेसीबी लगाकर चलाया सफाई अभियान। इस सफाई अभियान के बारे में स्थानीय निवासी पंडित हरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि जिस रास्ते की सफाई प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा कराई जा रही है वह कस्बा शेरगढ़ का मेन रास्ता है, जो कि नौजील रोड से सीधा कैलाश वकील के मकान के पास होते हुए खिड़की मोहल्ला से सीधा मेन मार्केट को पहुंचता है, जो कि गत 10 वर्षों से रास्ते में कीचड़ होने के कारण पूरी तरह से अवरुद्ध पड़ा था। जिसकी हमने प्रधान प्रतिनिधि से सफाई कराने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत ही जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते से सारी कीचड़ को सफाई कराई और उन्होंने आगे भी हमको आश्वासन दिया है कि इस रास्ते को कुछ ही दिन में थोड़ा सा ऊंचा उठाकर जल्द से जल्द बनवाया जाएगा, जिससे कि कस्बा शेरगढ़ वासियों को इस रास्ते से आने जाने में बहुत ही राहत मिलेगी। प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं, इनकी मैं भर भर प्रशंसा करता हूं। और जो कार्य विगत 10 वर्षों से नहीं हो पाए थे वे सभी कार्य इन्होंने केवल 2 महीने में ही कर दिखाए। ऐसा प्रधान हमको पहली बार मिला है, जो कि जगह जगह जाकर यही पूछते हैं कि कहीं कोई कार्य तो नहीं कराना है। अगर किसी कस्बावासी को कहीं कोई परेशानी हो रास्तों की वजह से या फिर राशन की वजह से कोई दिक्कत आ रही हो तो वह हमको बताए, हम सभी का कार्य करेंगे। वहीं पर स्थानीय निवासी मुस्तकीम ने भी बताया कि हमारी मोमडन बस्ती में भी प्रधान के द्वारा बहुत अच्छे कार्य कराए गए हैं। हर गली में इंटरलॉकिंग खरंजा लगभग 2 महीने के भीतर ही लगवा दिए गए हैं। इस मौके पर अंतु प्रधान, किशन चंद शर्मा, धर्मराज मावई, उदयाल मुरालीलाल तिवारी, महेश शर्मा आदि स्थानीय निवासी मौजूद रहे। सभी ने प्रधान प्रतिनिधि नीरज शर्मा की भरपूर प्रशंसा की। गोपीनाथ तिवारी, शेरगढ़ समाचार। क्या नाम है सर आपका? सर कहाँ के रहने वाले हो आप? शेरगढ़ बकरीवाला मोहल्ला। ये प्रधान प्रतिनिधि नीरज शर्मा के द्वारा जो शेरगढ़ कस्बे में कार्य करवाया जा रहा है उसके बारे में बताएं, क्या कार्य हो रहा है? बढ़िया काम करा रहा भी। आपकी बस्ती में कितने काम करवाए इन्होंने? काम करवा दी, जो काम है सब करवा रहा। क्या क्या काम हुए लगभग? नाली करवा दी, सब काम करवा रहा। अच्छा, लगवा रहे हैं तो आप इनकी प्रधानी से खुश हो? अच्छे कार हो रहे हैं। अच्छे कार हो रहे हैं, ना करवाएं ना करवाएं। कितने दिन से नहीं हुए? 15 साल से ना हो रहा कुछ भी। अच्छा, 15 साल से किसी भी प्रधान ने कोई कार करवाया है? इन्होंने 2 महीने में चमका दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हरिचंद शर्मा। सर आज जो यहाँ कार हो रहा है प्रधान प्रतिनिधि नीरज शर्मा के द्वारा उसके बारे में बताए, क्या कार हो रहा है? आज जो काम हो रहा है काम नहीं हो रहा है, नरक का स्वर्ग हो रहा है जी। ये जो काम हो रहा है लगातार पहली 2 पंचवर्षीय योजना ने यानी 10 साल से जी। ये रास्ता अवरुद्ध था, निकलने के लिए पूरा बाजार से लेकर के और नौजील मार्ग तक कोई भी सज्जन इसमें निकलता नहीं था, क्योंकि बहुत कीचड़ गंदगी थी। ये जो सीसी रोड था ये दब चुका था और क्षतिग्रस्त हो गया है। अब इन हमारे प्रधान प्रतिनिधि हमारे नीरज शर्मा जी, महेश जी, इनकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि मैं भी गांव का सामाजिक नागरिक हूँ, ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष भी हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, तो इनकी जो खुशबू है गांव में उसका वर्णन नहीं हो सकता है। पूरे गांव में पक्षपात से रहित होकर के मुस्लिम बस्ती में, जाटव बस्ती में, मामडन बस्ती में, वैश्यपाड़े में और चौड़ा बस्ती में, ब्राह्मणपुरी में। ये कौन सा गाँव है, कहाँ कार्य हो रहा है? ये गाँव शेरगढ़ है जी। और शेरगढ़ का वार्ड नंबर ये 9 है और 9 में भी ये रास्ता है जो पक्का हो रहा है। कैलाश चंद एडवोकेट के यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ओझानी वो नौजील रोड और अलीगढ़ रोड का हाईवे है उसमें जाकर के संपन्न होगा। और ये नरक निकल करके ये 10 साल से अवरुद्ध था रास्ता, आज इन्होंने अपने करकमलों से, अपने प्रसन्न मन से बस्ती के सामने अपने को इन्होंने प्रस्तुत किया और इस रास्ते का आज जेसीबी चलवा करके जीर्णोद्धार करके नया बनाने का संकल्प लिया है, उस विषय में यहाँ पर सब खड़ी हुई। और क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं प्रधान जी के द्वारा? प्रधान जी के मैं जितना भी कहूँ इतना कहूँ कि 19 से ज्यादा काम इन्होंने किए हैं। जो काम जी लगातार 15 साल से नहीं हुए वो उन्होंने एक माह के बीच में, एक माह नहीं हुआ उस बीच में जाल छा गया। और यूँ कह पूछते ढूंढ रहे मोहल्ले में, बताओ कहाँ कब करना है। मामनर बस्ती में कोई ऐसी गली नहीं रही है कि जो बिना सीसी रोड के अधूरी रह गई हो। पूरा मार्ग ऐसा बढ़ गया, समर सेविल, नल, खरंजा,
गंदगी साफ कराना और इसी कैमरे लगवा रहे हैं और दिन रात दोनों भाई लव कुश की तरह कहूँ या राम लक्ष्मण की तरह कहूँ लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। जनता का आदेश इनके सरमाथे पे और ये मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे लड़के हैं हो जाएंगे कि इन्हें पर्चे की जरूरत नहीं होगी, पर्चे के मोहताज नहीं रहेंगे, इनका कर्म ही इनका पर्चा रहेगा। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ।